गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एट ब्रेकफास्ट। वेजिटेबल्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स भी है, नूडल्स भी है, तो काफ़ी अच्छा रहा। पेट वैसे फुल हो जाता है, लेकिन बस ऐसे ही मैं आपको होटल का ये दिखाता हूँ। देखिए मॉर्निंग का कुछ माहौल ही अलग है। रहते हैं, वेयर इज रिसेप्शन? Hi, how we can use this? I'm coming to it. How can we use this? Ask here. Hello. Uh-huh. Yeah, you can ask where are we going and what's interesting inside, an introduction of the hotel, and what's the equipment of the hotel, but, and the weather and the picture. Picture. सो गाइस, बस मॉर्निंग में करीब 9 बजे बोला था, लेकिन 10:30 बजे निकलना हुआ, तो हम ही होटल से हम लोग ऑलमोस्ट 10:30 को निकले और नाउ इट्स 12:28 और हमको निकले 2 घंटा हुआ ऑलमोस्ट। और वो 2 घंटे में हम लोग ने डीजल भराया, थोड़ा कुछ उधर ही पेट्रोल स्टेशन से ही योगर्ट है, बिस्किट से कुछ खरीदी किया हमने। तो हमारी अभी अगले डेस्टिनेशन के लिए हम लोग देखते हैं, क्योंकि बिकॉज 410 किलोमीटर है और हमने कुछ अभी तक 80 किलोमीटर से निकाला है। आपको रास्ते में क्या लंच करते हैं और बस आपको बताते रहेंगे, बने रहेंगे। सॉरी एस डीजे बस हम रास्ते में रुके और आज वेज बिरयानी है, वेजिटेबल बिरयानी फ्रॉम गेट। ये देखिए वेजिटेरियन बिरयानी, राइट? तो उसको कुछ नहीं है, हमारा स्टाउ चालू है। यस, चालू है बिल्कुल। और ये हमारी बिरयानी अभी रेडी टू ईट है, फटाफट हो जाएगी। सो अभी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन फटाफट हो जाएगा अपना। मैं अपना दही भी ले लिया था पेट्रोल पंप से,
so it will be very quick. So, क्या लंच में क्या है? पानी गर्म हो रहा है, उसके बाद है कड़ी चावल. क्या बात है, कड़ी चावल है आज. वाह वाह, हमारा आज वेज बिरयानी है. बिरयानी का रंग भी मस्त है और सब्जियां है वो भी गर्म होने पे ताजा हो गई है. बिल्कुल सब्जियां बोल दिए खा लो. मजे ले लो. बीच में जो सिलेंडर रहता है, कैनिस्टर रहता है ब्यूटेन का, वो भी खत्म हो गया था. हम लोग ने फटाफट रिप्लेस कर दिया. कोई समय ही नहीं जाता इसमें इतना क्विक है. सो हमने ये चाइनीज कर्ड है, देखते हैं स्वाद में कैसा है. अच्छा ही होगा. तो बिरयानी और रायता. हर कंट्री में हमारा लहराता हुआ झंडा देखना हमें बहुत पसंद है, इसलिए विकास ने झंडा लहराया और मैंने उसकी शूटिंग कर ली. मैं और विकास दयाल आके जल्द से जल्द खड़े हो गए और पीछे सबकी राह देख रहे थे.
क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आगे हम लोग आगे जाके खड़े रह गए। और लेकिन ये ब्यूटीफुल नज़ारा देखो दोनों साइड को, एक्सेलेंट। सो हम है बुद्धा केव्स में, चाइना का बुद्धा केव्स, और ये बहुत ही एंशिएंट और हेरिटेज स्ट्रक्चर है, ब्यूटीफुल है। ये देखिए, ये कुछ डिफरेंट ही है, ग्रैंड कैनियन के जैसा है, लास वेगास के उधर है वो, तो कुछ अलग ही है। कुछ मतलब टेम्परेचर भी अभी करीब करीब मे बी अराउंड 26 या अच्छा है, कुछ है नहीं, थकने वाली बात है, बाकी तो इंटरेस्ट की बात है। किसी को बहुत घूमने का शौक रहता है तो किसी को तो बस है अच्छा। भाई काफ़ी खर्चा करके आए हैं इधर तक ये लोकेशन देखने के लिए, तो बस देखो कितना ज़ूम। ओके सो बुड्ढा के उस पे हम घूम रहे आए हैं तो देखना ही है। हमारी गाइड भी उधर ही है। क्या रोहित क्या है? केव है, केव में हम हैं बस। She doesn't know anything. We have to read about it, I guess. Oh, very good waterfall. अबे छोड़ो ना, जो दोनों की जॉइंट लेता हूँ, छोड़ो। हैं दोनों की जॉइंट एक दिस इज द फ्लेम माउंटेन बट नो फ्लेम्स।
सो वी आर इन तुरपन सिटी ऑफ चाइना और ये होटल का नाम है वियना होटल और ये देखो प्लेबॉय ऑल दिस ब्रांड्स वाओ एंड आवर ब्लैक स्टैलियन इज ओवर देयर पार्क्ड मिस्टर बोर्ले आज क्या घूमने जाएंगे चलो चलो जाएंगे जाएंगे यस So this is the reception area and see this painting wow Suman nam pakkane idu athakade So friends, Vienna Hotel. This is the first entry of the room, Vienna Hotel. क्या भाई कैसा है ओ वाओ शावर एरिया व्हाट अ रूम और लाइट है भरपूर तो अच्छा लगा हमको ओ गुड लाइट्स अच्छा है लाइट है तो अदरवाइज लाइट नहीं रहता है रूम्स में गुड ये एडिटिंग करने के लिए अच्छा है और बेड भी बड़ा है और बाथरूम भी विजिबल है चलो अच्छा है चाइनीज पीपल इंटीरियर के लिए अच्छा है लेकिन प्लम्बिंग में जीरो है ऐसा है दिखता है लेकिन होता नहीं ये घोड़ा गाड़ी है जो रात के टाइम पे जैसे बॉम्बे में घूमता है बगी वैसे ही कुछ पैसे लेके ये लोग भी राउंड देते हैं लेकिन हमने लिया नहीं ये अपने सामने पोमोग्रेनेट जूस निकाल के देते हैं 20 युआन्स ले देते हैं हमने लिया इसको और एंजॉय किया So we are enjoying the streets of Tarpon. Tarpon. And this is our hotel, Vivan. Wow. Nightlife is so super. It's now already 10:30. But ऐसा लगता नहीं है कि भाई 6-7-8 बजा होगा इधर तो अंधेरा ही करीब 9 बजे होता है सो ये देखो दिवाली ही दिवाली है वाओ व्हाट अ सिटी दोस्तों ये देखो लंच की तैयारी चल रही है और आज तो कुछ स्पेशली दोपहर में ना लंच है ना ब्रंच है ये कुछ हाई टी का आइटम चल रहा है लेकिन मजा आ जाएगा क्योंकि बहुत दिन हो गया चेंज मांगता है तो आज वैसे भी हमने नाश्ता अच्छा किया था तो
आज ये आइटम तो एक बार बनने के बाद ही आपको दिखाएंगे। वैसे तो आपको दिख रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ वेजिटेबल्स इज कटिंग। देखो देखो, चाइना में कुछ ऐसा कुछ लाने से फायदा तो है ही भाई, क्योंकि कभी कभी देख के भी खा नहीं सकते और हर चीज में वो लोग समझते नहीं वेजिटेरियन क्या है, नॉन वेजिटेरियन क्या है, कुछ नहीं समझते वो लोग। हाँ। खाली हाँ करेंगे और ज़्यादा कुछ भी दे देंगे, इसके लिए अपना खाना अच्छा है। इंटरप्रेटर के बिना तो बात भी नहीं कर सकते और कुछ समझा भी नहीं सकते। हाँ, हमारे पास इंटरप्रेटर है तो ठीक है, तो फिर भी वो लोग जानबूझ के करते हैं कि क्या पता से चीज लाई है। कभी कभी ऐसे लगता है क्या बाहर निकल के खाना बनाने का ये वो, लेकिन नहीं है तो अच्छा है। और ऐसे साइड में बैठे बैठे भी कुछ काम हो ही जाता है धीरे धीरे, और आधे घंटे में तो खाना लंच भी हो जाता है। वी कैन सेव टाइम ऑल्सो, जो आपको टी टाइम स्नैक के हिसाब से बता रहे थे, काट रहे थे वेजिटेबल्स, वो क्या था? तो ये देखो, इट्स बेल। तो बेल का लुत्फ हम ले रहे हैं क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 4:30 है, तो इसकी मजा हम ले रहे हैं। इसमें हमने चेरी टोमेटोज भी डाले, चेरी टोमेटोज है, प्याज है, ना यम्मी और टेस्टी लग रहा है अभी तो, वेरी टेस्टी। एंजॉय कर रहे हैं भाई चाइना में बैठ के। अरे भाई क्या हो गया, क्यों चल के आ रहे हो? एक्चुअली थोड़े टाइम के लिए हम लोग सब भटक गए थे, तो साइड में आफ्टर पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग ने गाड़ी खड़ी कर दी और बस हवा की मजा ले रहे। बहुत विंडी था और बस खड़े हैं इंतजार करते करते माइकल्स का भी। सो फ्रेंड्स, हमारी ब्लैक चैलेंज ऑलमोस्ट आज के डेस्टिनेशन तक आ गई है और अभी हम इधर पुलिस चेक या टोल नाके पे हम लोग अटके हैं क्योंकि हमारे बाइकर्स जो चार है वो थोड़े इधर मिसिंग लाइन में किधर भी वो लोग घुस गए लगते, तो थोड़ा देर इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा क्योंकि उनके भी अगर हम लोग आगे नहीं जाएंगे से हो गया है, तो फिर आगे उनको एंट्री भी नहीं मिलेगी चेकअप पे, तो उनको तकलीफ हो जाएगी, हमको भी तकलीफ होगी, हमको भी रुकना पड़ेगा कंपल्सन। इसके लिए सिटी तो आ चुकी है, तो आगे मिलते हैं। तो अभी थोड़ा सा चाय भी पीने का मूड हो गया, तो मैं साथी को बोला कि यस चलो चाय या कॉफी हो जाए, चलो कोई बात नहीं। हे हे ला 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 ला, मस्त आवाज। ETC इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। भाई हमारे बाइकर्स अभी तक आए नहीं, तो हम लोग ऐसे ही टाइम पास। देखो इधर का इलेक्ट्रिसिटी का पोल कुछ मतलब इधर ही अलग ही टेक्नोलॉजी है पूरा।
तो फ्रेंड्स टूटन पे हम आ गए, वोमेन हॉलीडे इन हॉप करके होटल है। तरपन से निकल के हमको करीब 440 किलोमीटर थे और हमको बीच में हम बाइक्स वगैरह हमारे भाई का फ्रेंड्स है वो भी बीच में मिस हो गए थे, कुछ होता है ये तो हमारा जो पूरा कॉन्वॉय था वो आधा पौना घंटे के लिए हम लोग चेक पॉइंट पे रुके थे। सो नाउ we have check in our hotel. Hotel का नाम है Bowman Holiday Inn. So शाम का अभी प्रोग्राम हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है हम शाम को आउटिंग के लिए जाए, तब तक मिलते हैं, see you. तो ये है सिटी क्विटोन, अच्छा सिटी है और हम 7th फ्लोर से शूट कर रहा हूँ। हमारा होटल का 7th फ्लोर है। सो सनसेट हो रहा है और करीब अभी 8:42 हुआ है, तो देखो अभी ये सनसेट हो रहा है और बिल्कुल मेरे खिड़की से दिख रहा है और ट्रैफिक देखो दिन ही लगता है, अभी तो रात के 9:15 हो गए और देखो ये सिटी ब्यूटीफुल सिटी है, एक सरीका मतलब बिल्डिंग्स है, एक अच्छी टाउनशिप्स है और देखो कितनी गाड़ी पार्किंग। ये सिटी देखो और स्काईस्कैपर्स भी है और कितनी मतलब प्लानिंग के साथ सिटी है। ये देखो सिग्नल्स है और लाइट्स वगैरह, सेंटर लाइट्स देखिए कितना मस्त है, बहुत ब्यूटीफुल नीट क्लीन सिटीज है। इनमें सिविक सेंस है यार सही में, तो अच्छा लगा मुझे, आप भी अच्छा लगे तो लाइक करो भाई। ब्यूटीफुल है, बहुत पसंद आया मुझे सिटी, देखो ना कलर्स भी कितने मस्त है। अरे वाह ये सन डूब रहा है देखो वो बिल्डिंग के पीछे, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर ऑफ द स्काई, बहुत बढ़िया रहा है, एकदम बढ़िया लग रहा है। चाइना रियली मजा आ गया भाई, गुड। सो फ्रेंड्स क्विटोन हम पहुंचने के बाद रात को अभी करीब बजा है 10:45 और देखो इधर की नाइट लाइफ तो नहीं लेकिन ये इनका रहना का स्टाइल ही ऐसा लगता है कि सब लोग अपने अपने शॉप्स अभी भी चालू हैं और ऐसा नहीं है कि वो एंटरटेन नहीं करते, रात को भी एंटरटेन करते हैं। सुपरमार्केट्स भी है वो भी ओपन है, कितने बजे तक होता है पता नहीं है क्योंकि लैंग्वेज बैरियर है और हम लोग भी ऐसे घूमने निकले हैं मतलब देखे कैसा क्या है उनका, तो रेस्टोरेंट्स और लिकर शॉप्स और अपना उनका सुपरमार्केट्स ये सब रात को चालू ही है, कितनी अच्छी अच्छी शॉप्स है उनका और पब्लिक इधर की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे है और ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये कम्युनिस्ट कंट्री है, बहुत ही पब्लिक अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरह से जीते हैं
और लाइफ इनकी बहुत अच्छी है ऐसी लग रही है, क्योंकि देखो कार्स की लाइंस देखिए, अलग अलग ब्रांड्स की सब कारें हैं, महंगी महंगी कंपनी की कार्स हैं, ऐसा नहीं है, और हर एक कंडीशन में मिलेगी वापस। ये देखो लीकर शॉप है, फिर ये देखो रात को इलेक्ट्रिक साइकिल चला रहा है, बाइसिकल, फिर अच्छी अच्छी रेस्टोरेंट्स है, और मतलब ये देखो जी वैगन भी है, मतलब हर एक ब्रांड दिखेगी कार्स में भी, और इधर भी पब्लिक रात को खाना खा रहे, ऐसा लगता है कि हर एक जन अपने घर पे खाना पकाते ही नहीं है और अपना पूरा भारी का भारी रखते होंगे, तो ये सबका चलता होगा। अच्छा लगा घूमने को, कल हो सकता है कि मॉर्निंग में मैं आपको वापस राउंड लूँ, तो मैं आपको वापस मॉर्निंग का लाइफस्टाइल क्या है वो भी देखेंगे। ये तो सिर्फ एक गली है, और बच्चे देखो तो बच्चे भी रात को मस्ती कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है ये स्ट्रीट पे घूमने का। सो ये हमारी होटल है, और इसका एक्सपीरियंस देखो कितना मस्त है। यही साइड पे हमारा 7th फ्लोर पे हमारा रूम है, मतलब होटल रूम है। फूड इन द रूम, मतलब अपना इंडियन फूड लेके आए वो। आज हमने दाल बुखारा और राइस हमने डिनर में लिया। बस अभी ये है, बहुत अच्छी लाइटिंग है, चाइना है भाई, मज़ा आ गया। तो बस हम हमारे होटल के एंट्रेंस के उधर आ रहे हैं। ये है संजय जी की हाइलक्स, फिर आती है विकास दयाल की एक्सप्लोर द अनसीन की, ये अच्छी गाड़ी है, फिर ये हमारे कोयम्बतूर एक्सप्रेस, फिर यहाँ पे या ये है अपने नीलेश परमार, उनकी गाड़ी है, और ये अपनी ब्लैक स्टैलियन इधर खड़ी है। तो बस तो ये है वो मैन हॉलीडे इन, चाइना रात को कैसा दिखता है देखो। ये करीब 11:30-12 बजे का टाइमिंग है, और दिखने में कैसा सुंदर दिखता है लाइटिंग्स के अंदर। अभी भी इतनी रात हुई है, ऑलमोस्ट 12 बजे है, लेकिन दिवाली जैसी उनकी नाइट्स है। लाइट्स भी चेंज होती रहती है देखो। कमर्शियल बिल्डिंग होगा, और ब्यूटीफुल लाइट्स चेंज होते जस्ट लाइक बुर्ज खलीफा जो दुबई में है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग देखिए। रात को मैं 11:30-12 बजे के आसपास का एक आपको व्यू दिखा रहा था, और यही चीज मॉर्निंग में देखो कितनी खूबसूरत है, रात भी खूबसूरत और दिन भी खूबसूरत, मॉर्निंग तो एकदम ही खूबसूरत है। तो ये है नजारे मॉर्निंग, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, राइट। सो गाइस, बस बोमन हॉलीडे इन होटल को हम अलविदा कहते हुए बस यहाँ से निकल रहे हैं। ऑलमोस्ट 9:50 हो गया है, 9 बजे का टाइम था, और एक बंदा और हमारा नहीं आया है, उसके लिए वेट हो रहा है। हमको फ्यूल स्टेशन जाना है पहले, और बाद में आज
400 किलोमीटर का वापस आज ड्राइव है जो करीब 6-7 घंटा दिखा रहा है। और हॉर्गोस करके हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है और उसका होटल का नाम भी होटल वियना है, होटल वियना हॉर्गोस। चाइना के अंदर नाम अपने देश में भी नाम अलग अलग है, जैसे हमारे उधर बांद्रा है, विलेपार्ला है, सो वैसे मुंबई के अंदर, वैसे चाइना के अंदर भी अपने को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन कोई ना कोई किसी के नाम के साथ जुड़ा होगा, कुछ ना कुछ स्टोरीज होगा। तो फिर ठीक है, हम मॉर्निंग में अभी निकल रहे हैं यहाँ से और बस वो बंदे की राह देख रहे हैं और आगे फिर बने रहना। राइट, ये हमारे दोस्त विकास दयाल, ये रोहित और ये है अपने बंदे शर्मा जी। संजय का नाम मैं रोज चेंज करते रहता हूँ, कभी वर्मा जी, कभी शर्मा जी, एक्चुअली है हमारे दोस्त अग्रवाल जी और गोयल, उनका दो नाम है इसके लिए हम लोग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, मजाक क्या है ये, लेकिन कम ऑन, पूरा दिन निकालना है और अभी ऑलमोस्ट हमको 65 दिन और निकालना है, 65 और 68 मोर डेज। तो बस ऐसे ही नया दिन, नई शुरुआत। सो फ्रेंड्स, हम लोग कार्गोस की तरफ जा रहे हैं और बस अभी मेरे ख्याल से कुछ 150 किलोमीटर ही बाकी रह चुके होंगे। रास्ता इतना मस्त है कि टुडे वी मेंटेन अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 120। तो अभी हम कार्गोस पहुंचने के बाद हमारा होटल है वियना इंटरनेशनल होटल, अच्छी ब्रांड है ये होटल की, तो हमको आज अनुभव करने को मिलेगा। और खाना तो हमारा ही है, के पास ब्रेकफास्ट भी अच्छा रहता है, अदरवाइज चाइनीज ब्रेकफास्ट में कोई दम नहीं रहता। तो अभी ये हमारा लास्ट नाइट ही होगा मेरे ख्याल से चाइना के, कल हम कजाकिस्तान अल्माइटी वैली के लिए निकलेंगे। तो बस आप बने रहना, अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, हमारे चैनल का नाम है G4 ब्लैक स्टेलियन एडवेंचर्स और हम ये सब एडवेंचर करते रहते हैं। और फिलहाल तो हम इंडिया टू लंदन ट्रिप पे है और ये हमारी करीब करीब 17 या 18 दिन है, वैसे तो हमारा 25-26 दिन हो गया, 10 अगस्त को निकले थे 2024। सो बने रहना और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहना और ना पसंद आए तो जरूर कमेंट भी करना, और कमेंट ऐसा भी करना कि हमको जरा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो बने रहना।
सो दोस्तों देखो हमारा लंच ब्रेक हुआ है और सभी गाड़ियां लाइन से लगी है और ये हमारे कैप्टन साहब है श्रीनिवास और कैप्टन सर है और हमारा कम्युनिटी किचन अभी चालू हो रहा है और ये हमारा पर्सनल है ये तो क्या जल्दी जल्दी निपट जावे और आज वापस चाइना का आखिरी दिन और आखिरी रात है। कल सुबह हमें कजाकिस्तान निकल जाएंगे। रास्ते हैं इंटरनल रोड भी यूज कर सकते हैं लेकिन गाड़ी का 75 और पर पर्सन गाड़ी के अंदर होगा उसको भी 75 है। सो ये थोड़ा महंगा हो जा रहा था और हाँ दैट इज लिटिल बिट ऑन द हायर साइड। वापस ऑल द वे वापस आना पड़ेगा और या डीजल इज एक्स्ट्रा।
तो ये हम लोग पूरा एंटायर ग्रुप बाहर का बैठ के ही सब लोग, एक अच्छा सा लोकेशन था तो हम लोग इधर रुक के इसका मजा ले रहे। सो देयर इज नो इश्यू ओवर हियर, और सब लोग खाना पीना खा के बैठे हैं तो सबने सेम आपकी ये मॉडल है? हाँ, सेम मेरी वाली है, लेकिन ब्लैक है। क्या जबरदस्त लग रही है, मेरे को यही चाहिए थी। ओहो ब्यूटी। लेकिन उसने एट लास्ट हम पहुंच गए खरगोश, जो हमारी आखिरी आखिर का दिन है चाइना के अंदर। और ये रात भी अच्छी होगी क्योंकि इतना खूबसूरत शहर लग रहा है हमको, और रात की रोशनी भी हमको देखने को मिलेगी क्योंकि इधर का जो एलईडी बिल्डिंग्स दिख रहे हैं सब। तो ये होटल भी अच्छी है और हमको पार्किंग भी अच्छा मिल गया है। और अभी आगे अंदर रिसेप्शन जाने के बाद आपको मैं और कुछ दिखाता हूँ, लेकिन तब तक ये बाहर का नज़ारा देखिए आप, बहुत ही मस्त है। और क्लाइमेट भी अच्छा हो गया था और क्लाउडी भी था। शाम को हम पहुँचे हैं और बस देखते हैं ये पुल साइड, पुल तो नहीं है ये, लेकिन ये कोई शहर में से कोई जाने वाली, जैसे वेनिस में एक नदी। बहुत ही खूबसूरत जगह है और ये सिटी भी बहुत ही प्यारा है, और साथ में ये हमारी वियनान होटल के बाजू में ये छोटा सा पॉन्ड है जो उसकी खूबसूरती में बढ़ा रहा है, चार चांद लगा रहा है खूबसूरती में। और सही में पीस भी है यहाँ पे और लोग भी बहुत अच्छे हैं। चाइना हम लोग जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा है अच्छा। देव मेड अ ब्रिज, वो भी देखो आप लाइट के टाइम, मतलब रात के टाइम तो कितना प्यारा दिखता होगा। अभी भी फिलहाल लाइट के एलईडी दिख रही है इसमें। ये एंट्री भी दिख रिसेप्शन पे ये मोरल म्यूरल जो बना है वहाँ पे रिफ्रेशमेंट के लिए चाय कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा हेल्प हो। सब खड़े हैं अपने अपने रूम नंबर देने के लिए।
रिफ्रेशमेंट, वाटरमेलन जूस एंड दिस इज इसमें। सो ये हमारा हॉर्गोस का वियना इंटरनेशनल होटल है और उसका रिसेप्शन एरिया, हम लोग सब लोग चेक इन रूम्स तो अलॉट हो चुके हैं लेकिन एक छोटा सा ब्रीफिंग के लिए हम खड़े हैं। सो अच्छा लगा। तो ये 6th फ्लोर से व्यू है और ये लॉबी है, ये लॉबी है और अच्छा है। अभी ये हमारा 602 नंबर है, एक रोमन कल्चर के हिसाब से उन लोगों ने बनाया है। नाइस वन। पानी का आवाज बहुत है, मतलब फोर्स ज्यादा होगा, प्रेशर टैंक ज्यादा होगा। रूम इज वेरी डिसेंट, अच्छा है, एरी भी लगता है क्योंकि हम लोगों ने अभी एसी तो चालू नहीं किया है। तो ह्यूज बेड है और अच्छा इंटीरियर है, एक रोमन कल्चर दिया है चाइनीज के अंदर। सो तो हमारा जो स्टे रहेगा वो अच्छा रहेगा। लाइट्स। सो ये अच्छा रहने वाला है। वाओ, ये शावर एरिया भी अच्छा है। शावर एरिया इज गुड 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 गुड, क्योंकि इतनी ड्राइव करने के बाद शावर होना जरा मजा आ जाता है। और ये एक एरिया भी अच्छा है, कंफर्टेबल, चलो एंजॉय करेंगे। और इधर से भी रूम दिखता है। तो ये हमारा सामने वाला रूम है, ओपन था तो हमने इसका थोड़ा शूटिंग करना पसंद किया। तो देखो नाइस यार, बहुत ही फर्स्ट क्लास व्यू है इधर से। तो सो देखिए हमारे होटल के नीचे ही क्या शानदार लाइटिंग्स है, और ये मेरे ख्याल से लाइटिंग्स एवरीडे का लाइटिंग्स है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है, माय गॉड, बहुत जबरदस्त है। देखो बहुत ब्यूटीफुल, देखिए पूरा सिटी यहाँ से दिख रहा है। और ये हमारी होटल है, ये देखो स्वाति इधर खड़ी है, ये तो उसका बैक साइड है, मतलब साइड का है ये, बैक साइड भी नहीं। और ये देखो अभी हम चलते 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 थोड़ा, क्या लाइटिंग्स है, माय गॉड, तो बुर्ज खलीफा दुबई में भी नहीं है इतनी। चलो हम चलते चलते कुछ देखते हैं। हमें सच में लग रहा था कि हम एक सपनों की दुनिया में एंटर हो चुके हैं, जहाँ रोशनी और खूबसूरती इतनी है कि बस उसमें ही हम गुल हो गए थे। और ऐसे लग रहा था कि बस रात खत्म ना होए और हमें ये जो देश है चाइना और उसमें भी ये जो खरगोश सिटी है ये छोड़ के नहीं जाना पड़े, लेकिन हमारे हाथ में कुछ नहीं था। हाँ ठीक है, हम लोग ने देखे चलते चलते एक वेजिटेबल्स की शॉप देखी, तो वहाँ पे जाके देखा तो अरे बाप रे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स और सब भी इतने मतलब फ्रेश और बड़ी साइज के थे कि सोच भी नहीं सकते हम तो। हाँ
What a beautiful city is this. क्या मस्त सिटी है देखो. इसकी लाइट्स, ये वाटर चैनल्स, वाटर बॉडीज बनाया है उन्होंने. So beautiful. So beautiful. और ये नाइट मार्केट जैसा है, पूरा मार्केट ही मार्केट है, कपड़ों से लेके खाने से लेके सब कुछ. So this is totally a street shopping. और ये देखो पूरा जबरदस्त है. लेकिन टाइम होना जरूरी है और लेके जाने की मतलब कैपेसिटी होनी चाहिए. खरीद तो सब सकते हैं. तो फाइनल नाइट इन चाइना. और इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है. मैं आपको ये वापस सीन दिखा रहा हूँ. बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत मज़ा आया. तो बस हम होटल के रूम में पहुंचे और वापस आपको वही लाइट्स दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी ऑलरेडी हो चुके 12:30. तो अभी सुबह उठ के जल्दी निकलना है कजाकिस्तान के लिए, तो बॉर्डर भी क्रॉसिंग करनी है. बहुत सारा टाइम जाएगा, बहुत एनर्जी वेस्ट होगी. सब खोलेंगे, पूरा गाड़ी चेक होगा. तो फिर सुबह मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग के लिए. सो गुड मॉर्निंग गाइस. फ्रॉम लास्ट डे, लास्ट नाइट हमारा हो गया और लास्ट डे फ्रॉम चाइना. और ये रात को मैंने हमारे रूम से व्यू दिखाया था आपको, और अभी मॉर्निंग में देखिए क्या सुंदर है यार. और ये देखो हमारी ब्लैक स्टैलियन खड़ी है ना. सो टुडे इज अवर लास्ट डे. और लास्ट ब्रेकफास्ट करके हम ये होटल से निकलेंगे. होटल का नाम है वियना इंटरनेशनल होटल. अच्छा है और अच्छी पार्किंग है. एटलीस्ट हमारे ग्रुप ने जो प्लानिंग नेपाल हो या तिब्बत हो या चाइना हो, हर एक में पार्किंग वाली होटल लिया और अच्छा था. और मतलब हमको उस सेक्टर के बारे में सोचना नहीं पड़ा है. तो ये मॉर्निंग देखो, आज बारिश हो रही है और 8:10 है, लेकिन आज मौसम कुछ ख़राब लग रहा है. तो देखते दिन कैसा रहता है, क्योंकि आज तो हमको दो इमिग्रेशंस को चेक इन चेक आउट करना है. तो आज थोड़ा हेक्टिक डे रहेगा और बाद में अलमाइटी जाने वाला है कजाकिस्तान में. तो फिर आगे वो हिसाब से मिलते हैं, बने रहना. इनका ये डाइनिंग हॉल है और टिपिकल स्मेल भी आ रहा है, हमको मज़ा नहीं आ रहा है. लेकिन अभी ठीक है. गुड मॉर्निंग.